दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी। कई बार इस तरह की बातें होती हैं कि महारथी कर्ण ने कितने राजाओं को पराजित किया और किससे वह पराजित हुआ। तो दोस्तों आज ये जो जानकारी है बहुत अध्ययन के बाद निकाली है। सबसे पहले जब कुरुओं का राजदंड लेकर कौरवों का सेनापति बनकर कर्ण ने पूरे आर्यावर्त को जीतने का निर्णय लिया तो उसने सबसे पहला आक्रमण पांचाल पर किया। पांचाल राज्य जहाँ की रानी द्रौपदी थी, वहाँ के राजा द्रुपद और वहाँ के युवराज धृष्टद्युम्न को पराजित किया। ये पहली विजय थी कर्ण की। इसके बाद कर्ण ने अयोध्या राज्य पर जहाँ का रघुवंशी राजा शीघ्र और राजकुमार पुरु को युद्ध में कर्ण ने पराजित किया। यद्यपि कर्ण ने श्री रामचंद्र जी की जय और श्री भरत की स्मृति में अयोध्या के सिंहासन पर सुगंधित पुष्प अर्पित किए किंतु उसने वहां भी राजा शीघ्र और राजकुमार पुरु को पराजित किया। इसके बाद मिथिला राज्य के राजा बहुशाल्य एवं उसके पुत्र कृति को पराजित किया। कामरूप के राजा भागदत्त को युद्ध में पराजित किया। बंग देश पर जब कर्ण ने आक्रमण किया तो वहां पर चंद्रसेन और समुद्रसेन नाम के दो भाई थे। चंद्रसेन युद्ध में मारा गया और समुद्रसेन को पराजित किया। कर्ण की वीरता यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद कर्ण ने मगध पर आक्रमण किया। मगध का राजा जरासंध भीम के द्वारा मारा जा चुका था। वहां पर उसके पुत्र सहदेव ने कर्ण को करारी टक्कर दी लेकिन कर्ण ने उसे भी पराजित किया। पांडुदेश के राजा पांडुरूप वासुदेव, जो अपने आप को वासुदेव कहता था, उसे कर्ण ने पराजित किया। कर्ण के सेनापति हिरण्यवर्मा ने भी पराजित किया। इसके बाद कर्ण का जो सबसे बड़ा मुकाबला हुआ उसके आर्यावर्त विजय के दौरान, वो विदर्भराज जिनकी राजधानी कुंडनीपुर थी और वहाँ का जो युवराज था जिसका नाम था रुक्मी, उसने श्री कृष्ण से पराजित होने के कारण कुंडनीपुर को त्याग दिया था और रास्ते में भोजकूट नामक स्थान पर वह रहता था। कर्ण से उसका भीषण युद्ध हुआ। अंततः कर्ण की विजय हुई और कर्ण ने उससे मित्रता कर ली। इसके बाद पुलिंद देश के जो शासक थे सुकुमार और सुमित्र, उनको कर्ण ने पराजित किया। शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु जो चेदी राज्य का स्वामी था उसको भी कर्ण ने पराजित किया। मत्स्य देश के राजा विराट को कर्ण ने पराजित किया। पुलिंदों के का जो शासक था जिसका नाम था चंद्रहास, उसे भी कर्ण ने पराजित किया। एक और भी राजा था जो मद्र देश का शासक नकुल सहदेव का मामा शल्य, उसे भी बहुत मुश्किल से कर्ण ने पराजित किया और उसने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित भी किया। इसके अतिरिक्त कर्ण को बहुत सारे राजाओं से युद्ध नहीं करना पड़ा। उनमें किरातों का राज्य था, विक्रमशिला का राज्य था, राजनगरी का ताम्रलिप्त राजा और कलिंग राज्य जहाँ दुर्योधन की ससुराल थी, दुर्योधन के ससुर चित्रांगन और दुर्योधन का साला भानुवंत, इनसे इन्होंने भी बिना युद्ध के ही कर्ण की अधीनता स्वीकार कर ली। हाँ, कुंतीभोज और पुरजित, कुंतीभोज जो यदुराज्य के श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, उन्होंने कर्ण का स्वागत किया और कर्ण ने वहाँ पर आक्रमण नहीं किया बल्कि उनके स्वागत से अभिभूत हो गया और उन्होंने कर्ण को बहुत सारा उपहार दिया। इसके अलावा एवन, बर्बर, कंबोज, तंगद आदि राज्यों ने कर्ण की अधीनता को स्वीकार किया। इस तरह से आर्यावर्त विजय के दौरान कर्ण ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को पराजित किया और कुरुओं के राजदंड को वैभव और यश दिलाया। इससे एक चीज की और पुष्टि होती है कि किस तरह से कर्ण ने कौन कौन से राजा महाराजाओं को पराजित किया। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें।